बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ प्यार नाज़रीन। ये देखें आज ना देसी माहौल देखते हैं आप, आज दिखाते हैं आपको देसी माहौल। ये देखें क्या क्या काम स्टार्ट किए हुए हैं। प्याज़ों की वजह से मेरी आंखों में आ गया आंसू और ये घर में हो रही हैं जी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ। किस चीज़ की हो रही हैं ये आप सब ने गैस करके मुझे बताना है। और मुझे एक ना बंदे ने बोला था कि जो है ना क्या कहते हैं उसको, आपने बेटी की मंगनी की है, तो मैं क्या जी नहीं मंगनी तो नहीं मैंने की, घर में एक और छोटा सा फंक्शन है जो कि बेटी की मंगनी तो नहीं है, बेटी की सालगिरह है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़रूर किया करें, बताया करें कि आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और व्लॉग पूरा देखा करें। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें जी, नीचे मैं बैठी हुई हूँ और सारी चीज़ें मैंने सोचा कि इतनी देर खड़े होके क्या करना है, सुबह का काम कर करके थक गई थी। अब मैंने सोचा कि बैठ के ना सारी चीज़ें कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर एकदम से किचन में जाऊँगी और किचन का काम ख़त्म करके फिर शावर लूँगी, शावर लेने के बाद तैयारी करूँगी। आपने आज का व्लॉग जो है ना वो पूरा देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में ना आज इतना अच्छा फंक्शन है कि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले दही भल्ले मैंने बना लिए हैं, इसके बाद बन रही है जी तैयारी हो रही है बिरयानी की। बिरयानी भी माशाल्लाह तैयार होगी, अभी इसको लगाते हैं दम। दम लगा के फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर करना है मैंने रात को जो है हैप्पी बर्थडे का। तो आप सब ने जो है ना, मेरा छोटा जो कैमरा मैन है सहरा, उसकी है आज सालगिरह, आप सब ने जो है ना उसके लिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलना है, बहुत अच्छा सा कमेंट भी करना है और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद ये देखें आज माशाल्लाह बिरयानी तो जो है ना बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह अच्छी लग रही। उसके बाद जी मैं हो गई थी तैयार, बिल्कुल काम जो है किचन का भी ख़त्म हो गया था और मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी हो जाती हूँ तैयार। ये मैंने जी नया न्यू ड्रेस बनवाया जो कि मुझे सपना ने दिया था इस दफ़े ईद पे, एक ईद पे दिया था ना गिफ्ट मुझे, तो ये मियाँ साहब को और मुझे साथ में जूता, ये दही भल्ले हैं, ये साथ में बिरयानी मैंने मिक्स कर दी और तैयार मैं होके आ गई हूँ फटोफट। मैंने सोचा कि आज मैंने ना जो मेहमानों के आने से पहले जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाना है, तैयार मैं हो गई थी। और उसके बाद बच्चे भी तैयार हो रहे हैं सारे, घर का काम जो है सहरा भी ये देखे तैयार हो गई है और सारी तैयारियाँ जो है ना बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी। तो आज हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी जो है ना हम जो है ना वो कर लेंगे सालगिरह, लेकिन फिर भी करते करते वो ही टाइम हो गया था और साथ में जो उसको गिफ्ट मिले हुए हैं वो इधर पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ ने दे दी हैं उसकी भाभी ने दिए हैं और सपना ने दिए हैं, मैंने दिए हैं, जो जो दिए हैं ना सब ने वो उसने पहले इधर रख दिए हैं, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने अभी तो आपको दिखाने हैं ना सबको दिखाने हैं। ये उसको एक उसकी दोस्त ने दिया है, शूज़ दिए हैं, खुस्सा दिया है, एक जूता मिला है, इस तरह कुछ चीज़ें जो है ना काफ़ी जो जो मिली उसने सारी रखी हुई। आज की डेकोरेशन आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर बताना है, मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा, आज की मेरी तैयारी आपको कैसी लगी है वो भी आपने मुझे बतानी है। आज बोलेंगे आज क्या हो गया, पागल तो नहीं होगी क्योंकि आज मैं ना बहुत ज़्यादा जो हैवी हो रही हूँ ना इसलिए तैयार, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना और क्या मैं आपको बताऊँ कि सना आई थी वो भी चली गई है, एक दिन के लिए बस आई थी तो वो भी चली गई है। और फान का जो है ना वो उसने जो सना ने इसको गिफ्ट दिए हैं वो भी इधर ही हमने रखे हुए हैं, सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो रात को जो शाल फातिमा माशाल्लाह तैयार होगी, सब कहते हैं जी शाल फातिमा जो है ना वो अभी उसकी आप फेस नहीं रिवील कर रहे, इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी। अभी ना वो स्मार्ट सी है, पतलो सी है, इंशाल्लाह थोड़ी सी सही होती है तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद जी खाना लग चुका था, मैंने सबको बोला कि खाना सबसे पहले खा लेते हैं फिर इंशाल्लाह जो है ना बाद में हम तैयार हो जाएंगे, वो कटिंग करेंगे केक, क्योंकि फिर बाद में ना टाइम नहीं होता, फिर सारे जो है ना वो कहते हैं कि जल्दी करें जल्दी करें। केक आ गया था माशाल्लाह, एक लेके आया था इसका भाई रसलान अली लेके आया था, दो हाँ एक लेके आया था क्रीमी और चॉकलेट दोनों लेके आया था। और ये जो हो गई हैं 80-81 साल की सब इसको कह रहे थे कि कितने साल की होगी, ये कहती है मैं 81 साल की होगी, क्योंकि इसके जो मामू हैं ना वो इसको कहते हैं माँ जी,
तो ऐसे वो आपस में ना शुक्ल करते रहते हैं, वो उसको कहती है बेटा जी, तो ये इसको कहते हैं मामू माँ जी। तो इसलिए ये देखें जी, फ़ोन आया हुआ था सना का, उसको मैं दिखा रही थी, सना इस दफ़ा कोई नहीं आई, उसको मैं वीडियो कॉल करके दिखा रही थी सारी जो है ना तैयारी। और आजकल जी हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो सारे ऑरेंज 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 हो रहे हैं, सब ने एक जैसे जो है ना ड्रेस पहने हुए हैं ऑरेंज, और केक जो है ना वो आ गया क्रीमी, और जो है चॉकलेटी वो अभी हमने रखा हुआ है, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए हमने सोचा कि बाद में जो है कटिंग करेंगे तो ये ना हो कि किसी को दें या किसी को ना दें, सबको होना चाहिए। इसलिए ये देखें जी हमने जो है ना कटिंग करते हैं। अब आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे, इसको भी जो है ना क्या कहते हैं ना लंबी ज़िंदगी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें जी केक हो गया कटिंग, केक माशाल्लाह बहुत मेरा फेवरेट था, लेकिन मेरा तो दिल नहीं था कर रहा कि मैं जो है ना खाना खा चुके थे सब, तो कह रहे थे कि बस इतना ही होना चाहिए, केक एक चम्मच लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद सबको जो है चाय बना के देंगे और साथ में जो है केक देंगे। इसको मैंने बोला हाथ से खिलाएं चम्मच से खिलाएं, कहती है नहीं जो हाथ से खिलाने का होता है ना वो आपको नहीं पता। मैंने कहा चलें जी ठीक है। ये जो जो ज्वेलरी इन्होंने सब ने पहनी हुई है, ये अमेरिका से जो हमारी बहुत ही प्यारी मेरी बहन आई तो वो लेके आई थी हमारे लिए लेके, वो हमने सब ने पहनी हुई है। मैंने जो है सपना वाली सारी चीज़ें पहनी हुई है, ये देखें। तो उसके बाद जी हम गए हुए थे, ये अभी जो है ना पहले की वीडियो है, तो हम उधर बोर करवाने के लिए गए हुए थे। बोर करवा के आते आते रस्ते में जो है ना इतनी ज़्यादा बारिश होगी, इतनी ज़्यादा बारिश होगी, ऐसे जैसे ना पूरी सर्दियों वाला मौसम बन गया था। आते आते बच्चों को हमने कॉल की, बच्चों ने बोला कि मामा घर में कुछ भी नहीं बना क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है, तो सुबह की लाइट गई हुई है। तो आप ना ऐसा करें आती दफ़ा ना कोई खाना भी ले आए उधर से। उधर से हमने लिया टकाटक और साथ में लिए हमने रोटियां और साथ में जो है रहता था तो वो सब कुछ ले के घर आ गए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़रूर देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। बड़ी खुशी होती है जब आपके रात को बैठ के कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं और साथ में आपकी बातें सुनते हैं। जब मैं देखती हूँ आपको कि मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं 20,000, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं और एक से एक बढ़ के जो है ना व्लॉग बनाऊं। तो जब नहीं ना कोई कमेंट्स आते तो फिर बड़ा दिल जो है ना होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आते सारी मैं तो हो गई थी बिस्तर में, क्योंकि मुझे ऐसे ना सर्दी लग रही थी, सर्दी में ना मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं जी खाना खाती हूँ, आपसे मिलती हूँ इसी तरह एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।